About migration. Everyone, I hope you all of you are aware about the migration strategy. किसी भी प्रोफाइल के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, स्पेशली रिलेटेड टू द वर्चुअलाइजेशन या क्लाउड टेक्नोलॉजी या फिर मेलिंग सर्विसेज रिलेटेड कोई किसी भी प्रोफाइल पे अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इंटरव्यूअर का एक कॉमन क्वेश्चन है कि आप माइग्रेशन से क्या समझते हैं एंड हाउ वी कैन मैनेज द माइग्रेशन फॉर आवर इंफ्रास्ट्रक्चर। इसी टॉपिक के बारे में आज बात करने वाले हैं। बेसिकली एजेंडा हमारा ये रहेगा कि ईमेल माइग्रेशन क्या होता है और ईमेल माइग्रेशन को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। बेसिकली यहाँ पे हम बात करने वाले हैं ऑन प्रमाइसेस एक्सचेंज सर्वर से ऑफिस 365 पोर्टल पे ईमेल को या मेल बॉक्सेस को किस तरीके से माइग्रेट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट 365 का जो प्लेटफॉर्म है या जो डैशबोर्ड है उसमें कितने तरीके के ऑप्शन हमें दिखाई पड़ते हैं टू माइग्रेट आवर ईमेल्स फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन टू आवर 365 पोर्टल। ईमेल माइग्रेशन, दिस इज द एजेंडा ऑफ टूडेज सेशन। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर, एंड यू आर वॉचिंग टीच मी क्लाउड, योर ऑन यूट्यूब चैनल। सो आई एम गोइंग टू गिव यू द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द मेल माइग्रेशन। जितने भी पॉइंट्स होते हैं, जितने भी टाइप्स होते हैं, उनको कंप्लीट विद एग्जाम्पल आपको डिस्क्राइब करने वाले हैं। और डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है अगर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर ऑलरेडी किसी क्लाइंट के साथ अटैच है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ईमेल को मैनेज करना। तो डेफिनेटली आज नहीं तो कल आपको माइग्रेशन का टास्क परफॉर्म करना पड़ेगा। ओके, सो आर एजेंडा इज टू मैनेज द ईमेल माइग्रेशन। सो ईमेल माइग्रेशन के केस में लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अबाउट, अगर आपने ऑफिस 365 पोर्टल को ओपन किया होगा या ऑफिस 365 पोर्टल पे काम करते हैं, तो डेफिनेटली आई होप यू हैव आइडिया अबाउट कि माइक्रोसॉफ्ट 365 या ऑफिस 365 तीन अलग अलग डैशबोर्ड आपको प्रोवाइड करता है। पहला डैशबोर्ड है एडमिन सेंटर, जहां से आप नॉर्मल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, यूजर्स को मैनेज करना, बिलिंग से रिलेटेड टास्क को परफॉर्म करना, डोमेन को ऐड करना या फिर अदर जो सर्विसेज है लाइक एज अ ईमेल बॉक्स के अंदर जो प्रॉपर्टीज वगैरह दिखाई पड़ती हैं, एलियस कॉन्फ़िगर करना, पासवर्ड रीसेट करना, यूजर का फॉरवर्डिंग लगाना, ये सभी टास्क आप परफॉर्म करते हैं। सेकेंड जो डैशबोर्ड है वो है एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी, जो इंट्रा एडमिन आज की डेट में इंट्रा एडमिन के नाम से जाना जाता है। और तीसरा है ऑनलाइन एक्सचेंज एडमिन या एक्सचेंज एडमिन सेंटर। एक अलग से डैशबोर्ड मिलेगा एक्सचेंज एडमिन सेंटर का, उसी डैशबोर्ड के अंदर उसी पर्टिकुलर विजेट के अंदर आपको एक ऑप्शन दिखाई पड़ेगा माइग्रेशन। और इस माइग्रेशन में कई तरीके के कई कई टाइप्स के माइग्रेशन आपको देखने को मिलेंगे। तो लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अबाउट दीज टाइप्स ऑफ माइग्रेशन और इनके टास्क के बारे में। जब आप एक्सचेंज एडमिन सेंटर ओपन करेंगे ना ईमेल के ऊपर, जब आप फॉर एग्जाम्पल यू आर ट्राइंग टू ओपन एक्सचेंज एडमिन सेंटर, और इस एक्सचेंज एडमिन सेंटर के ऊपर अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा विच इज कंसीडर एज ए माइग्रेशन। माइग्रेशन पे जब आप क्लिक करोगे तो ये आपसे पूछेगा विच टाइप्स ऑफ माइग्रेशन यू वांट टू परफॉर्म। मीन्स दो पार्ट में इसको भी कैटेगराइज किया गया है। पहला जो माइग्रेशन है, माइग्रेट टू द एक्सचेंज सर्वर, ठीक है, माइग्रेशन टू एक्सचेंज सर्वर, माइग्रेशन टू एक्सचेंज सर्वर, एक्सचेंज ऑनलाइन सॉरी। और जो दूसरा टाइप होगा माइग्रेशन फ्रॉम एक्सचेंज ऑनलाइन, ठीक है। एक अपने पास हो गया माइग्रेशन टू एक्सचेंज ऑनलाइन और दूसरा हो गया अपने पास माइग्रेशन फ्रॉम एक्सचेंज एक्सचेंज ऑनलाइन। एज पर द नेम सजेस्ट, माइग्रेशन टू एक्सचेंज ऑनलाइन का मतलब ये है कि आप ऑलरेडी अपनी कंपनी के लिए कोई मेलिंग सर्विस का इस्तेमाल कर रहे हो। माइक्रोसॉफ्ट 365 के अलावा आप कोई मेलिंग सर्विस अभी आप इस्तेमाल कर रहे हो। इट मे बी कि आपने अपना खुद का ऑन प्रमाइसेस एक्सचेंज एस्टेब्लिश कर रखा है, या फिर ये भी हो सकता है कि आपने GoDaddy.com या जो अदर प्रोवाइडर्स हैं, मेल्स प्रोवाइडर्स हैं, जो डोमेन प्रोवाइडर्स हैं, उनसे आपने अपनी मेलिंग सर्विसेज कॉन्फ़िगर करवा रखी है, या फिर ये भी हो सकता है कि आपने अमेज़न वेब सर्विसेज पे या गूगल वर्कस्पेस, जो जी सूट था अभी वो गूगल वर्कस्पेस के नाम से जाना जाता है, आपने अपनी मेलिंग सर्विसेज को गूगल वर्कस्पेस पे इस्टेब्लिश कर रखी है। एंड नाउ यू आर प्लानिंग टू शिफ्ट द एंटायर मेलिंग सर्विसेज और मेल बॉक्सेस को आप उठा करके कहां पे ले जाना चाहते हैं,
ऑफिस 365 पे ले जाना चाहते हैं, दैट टाइम माइग्रेशन टू एक्सचेंज ऑनलाइन कम इन टू द पिक्चर। इस केस में हम क्या करेंगे, माइग्रेशन टू ऑनलाइन एक्सचेंज आपका आएगा पिक्चर में। एंड सेकेंड इफ वी टॉक अबाउट द अनदर पॉइंट विच इज माइग्रेशन फ्रॉम एक्सचेंज ऑनलाइन। माइग्रेशन फ्रॉम एक्सचेंज ऑनलाइन का मतलब यह है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, माइग्रेशन फ्रॉम एक्सचेंज ऑनलाइन का मतलब यह है कि यू वॉन्ट टू माइग्रेट द इंटायर सर्विसेज फ्रॉम योर एक्सचेंज ऑनलाइन टू ऑन प्रमाइसेस या और किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे ले जाना चाहते हैं। तो जब आप माइक्रोसॉफ्ट 365 के एक्सचेंज एडमिन पैनल को ओपन करेंगे तो आपको ये दोनों ऑप्शन दिखाई पड़ेंगे। हम यहां पे बात करने वाले हैं माइग्रेशन टू ऑनलाइन एक्सचेंज ऑनलाइन, ये हमारा कॉन्सेप्ट होगा। और अब बात करते हैं कि कितने टाइप के आपको ऑप्शंस दिखाई पड़ेंगे टू माइग्रेट आवर मेलिंग सर्विसेज फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन और फ्रॉम ऑन प्रमाइसेस टू माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल। एजेंडा बिल्कुल क्लियर है, सो लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अबाउट टाइप्स और फिर उनके डीपली समझने की कोशिश करेंगे कि किस पर्टिकुलर माइग्रेशन में क्या एक्टिविटी होती है, इन सब के बारे में देखते हैं। राइट, एजेंडा बिल्कुल क्लियर है, माइग्रेशन हम करने वाले हैं, माइग्रेशन टू एक्सचेंज ऑनलाइन, ठीक है, ये हमारा एजेंडा है, माइग्रेशन टू एक्सचेंज ऑनलाइन, दिस इज आवर एजेंडा। इन दिस केस यू विल फाइंड 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइग्रेशन सर्विस। यहां पे अगर हम बात करें तो आपको 6 अलग अलग माइग्रेशन सर्विसेज देखने को मिलेगी। आई एम गोइंग टू हेल्प यू, जिसमें से पहली माइग्रेशन सर्विस मिलेगी रिमोट मूव माइग्रेशन। पहला जो है वो है रिमोट मूव माइग्रेशन। दूसरा जो आपको माइग्रेशन का ऑप्शन मिलेगा विच इज रिलेटेड टू द स्टेज्ड माइग्रेशन। दूसरा है अपने पास स्टेज्ड माइग्रेशन। तीसरे नंबर पे आपको माइग्रेशन ऑप्शन देखिएगा कट ओवर माइग्रेशन, ओके, तीसरा है अपने पास कट ओवर माइग्रेशन। नंबर चार पे आपको मिलेगा क्रॉस टेनेंट माइग्रेशन, ठीक है, तीसरा आपको मिलेगा क्रॉस टेनेंट माइग्रेशन, सॉरी चौथा। पांचवें नंबर पे आपको माइग्रेशन देखने को मिलेगा गूगल वर्क स्पेस, गूगल वर्क स्पेस माइग्रेशन। और नंबर छह पे है अपने पास आई मैप माइग्रेशन। सो टोटल नंबर ऑफ माइग्रेशन की बात करें टू माइग्रेशन टू एक्सचेंज ऑनलाइन के केस में, ये आपको 6 डिफरेंट तरीके के माइग्रेशन देखने को मिल सकते हैं। पहला है रिमोट मूव माइग्रेशन, दूसरा है स्टेज्ड माइग्रेशन, तीसरा है कट ओवर माइग्रेशन, चौथा है क्रॉस टेनेंट माइग्रेशन, पांचवा है गूगल वर्कस्पेस माइग्रेशन, और लास्ट में है छठे नंबर पे आई मैप माइग्रेशन। राइट, सो आर एजेंडा वी शुड नो अबाउट द गैप बिटवीन दीज टाइप्स ऑफ माइग्रेशन। हमें मालूम होना चाहिए कि ये जो माइग्रेशन सर्विसेज हैं किस तरीके से टास्क परफॉर्म करती है। एज ए 365 इंजीनियर जब आप काम करते हैं, एज ए माइक्रोसॉफ्ट 365 इंजीनियर जब आप काम करते हैं, सो इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी शुड नो अबाउट द मैथड विच मैथड कैन हेल्प अस टू माइग्रेट अवर ऑन प्रमाइसिस मेलिंग सर्विसेज टू माइक्रोसॉफ्ट 365। लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड स्टार्टिंग के जो ये तीन माइग्रेशन सर्विस दिखाई पड़ रही है आपको। पहला कौन सा है, रिमोट मूव माइग्रेशन, स्टेज्ड माइग्रेशन एंड कट ओवर माइग्रेशन। ये तीनों माइग्रेशन का पर्पज सेम है। वो कैसे सेम है, क्योंकि ये तीनों माइग्रेशन आपकी मदद करते हैं टू मूव आवर ऑनलाइन ऑफलाइन एक्सचेंज, जो आप एक्सचेंज सर्वर अपने सर्वर 2016 या 2019 में इस्टेब्लिश कर रखे हैं, जो मेल बॉक्सेस आपने ऑन प्रमाइसेस हार्डवेयर में कॉन्फिगर कर रखे हैं, उनको अगर आप माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल पे माइग्रेट करना चाहते हैं तो इन तीनों में से किसी एक माइग्रेशन का सिलेक्शन करेंगे। बट क्वेश्चन, ये कैसे डिसाइड होगा कि हमें कट ओवर माइग्रेशन करना है या रिमोट मूव माइग्रेशन करना है या फिर स्टेज्ड माइग्रेशन करना है। बिल्कुल क्लियर था फंडा है, रिमोट मूव माइग्रेशन जो पहले नंबर पे आपको दिखेगा ये किसको सपोर्ट करता है, विच इज अप्लीकेबल फॉर, चलो स्पेस है यहां पे हम मेंशन कर सकते हैं, विच इज अप्लीकेबल फॉर ये जो माइग्रेशन है, अगर आपने एक्सचेंज सर्वर 2010 या अबव, ठीक है, 2010 का आपने एक्सचेंज सर्वर ऑन प्रमाइसिस पे लगा रखा है
यू ऑलवेज प्रोसीड विद रिमोट मूव माइग्रेशन. आपको इस पहले ऑप्शन का सिलेक्शन करना पड़ेगा टू माइग्रेट अवर ऑन प्रमाइसेस एक्सचेंज टू माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल. दूसरा अपने पास है स्टेज्ड माइग्रेशन, और स्टेज्ड माइग्रेशन का कॉन्सेप्ट जो है विच इज अप्लीकेबल फॉर किसके लिए, ये अगर आपने एक्सचेंज सर्वर 2003 और 2007 पे कॉन्फ़िगर कर रखा है तो आप कौन से माइग्रेशन पे जाएंगे, यू कैन प्रोसीड विद स्टेज्ड माइग्रेशन. राइट, ये हो गया अपने पास. एक्सचेंज सर्वर 2010 के अबव या 2010 इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप रिमोट मूव माइग्रेशन का यूज करेंगे. अगर आप स्टेज माइग्रेशन की बात करें तो 2003 और 2007 का एक्सचेंज सर्वर ऑन प्रमाइसेस पे रख रखा है तो उस केस में हम स्टेज माइग्रेशन का इस्तेमाल करेंगे. कट ओवर माइग्रेशन विच इज अप्लीकेबल फॉर अगर आपने ओल्ड वर्जन का 2003 आर अबव, ठीक है, अगर आपने 2003 का एक्सचेंज ऑन प्रमाइसेस पे कॉन्फिगर कर रखा है सो दैट टाइम यू कैन प्रोसीड विद द कट ओवर माइग्रेशन. उम्मीद है ये तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है. तीनों के केस में देखेंगे तो एक चीज कॉमन दिखाई पड़ रही है कि ये ऑफलाइन, यस, ये ऑफलाइन एक्सचेंज के बारे में या ऑफलाइन एक्सचेंज सर्वर जो हमने इस्टैब्लिश किया है उनको ऑनलाइन यानी माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल पे माइग्रेट करने में हमारी हेल्प कर रहा है. तो 6 में से 3 माइग्रेशन पार्ट ऑटोमेटिक कवर हो गए, थ्योरेटिकल भी. प्रैक्टिकल आई डेफिनेटली ट्राई टू गिव यू प्रैक्टिकल. 2016 का एक्सचेंज सर्वर हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है सो विल गिव यू द स्टेप्स हाउ वी कैन माइग्रेट और ऑन प्रमाइसेस एक्सचेंज टू 365 पोर्टल, माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल. बट कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है क्योंकि जब इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पुटअप करेगा तो यू शुड नो अबाउट कि आप क्वेश्चन समझ सके कि एक्चुअल में क्लाइंट क्या पूछना चाहता है और किस तरीके से हमें उसको रिप्लाई करना है. तीन क्लियर हो गए, अब आ जाते हैं हम क्रॉस टेनेंट माइग्रेशन के बारे में बात कर लेते हैं. इसको हम इरेज कर रहे हैं, ठीक है. नेक्स्ट क्रॉस टेनेंट है, फिर गूगल वर्कस्पेस है, और फिर बाद में अपने पास विच वन विच इज रिलेटेड टू द IMAP माइग्रेशन. वो भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एज ए 365 इंजीनियर इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी शुड नो अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ दीज माइग्रेशन टाइप्स. अभी हम बात कर रहे हैं क्रॉस टेनेंट माइग्रेशन, ठीक है. अब ये चौथे नंबर का माइग्रेशन है, राइट, ये चौथे नंबर का माइग्रेशन है क्रॉस टेनेंट माइग्रेशन. इस केस में एज पर द नेम सजेस्ट, एक छोटा सा एग्जाम्पल, एक कंपनी है जो आपने ओपन की है या कोई भी कंपनी हो सकती है एक्स वाई जी के नाम से, और दूसरी कंपनी है हमारे पास विच इज विद नेम ऑफ एबीसी के नाम से. एक्स वाई जी और एबीसी दो अलग अलग कंपनी है, आईटी कंपनी है या नॉन आईटी कंपनी. इट्स नॉट मैंडेटरी कि आईटी कंपनी ही केवल ऑफिस 365 का इस्तेमाल करती है. कोई भी कंपनी जो अपने इंप्लॉयज को मेल आईडी प्रोवाइड करती है डेफिनेटली दे नीड टू यूज एटलीस्ट वन मेलिंग सर्विस प्रोवाइडर. वो आपका कोई भी हो सकता है, IMAP भी हो सकता है और आपका माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल भी हो सकता है. अब एक्स वाई जी जो इंप्लॉय है इनके यहाँ पे, जैसे राज नाम का एक इंप्लॉय है तो उसका ईमेल आईडी क्या बनेगा, raj@xyz.com, या फिर टाटा नाम का एक आपने इंप्लॉय हायर किया है जिसका नाम है, जिसकी मेल आईडी बनेगी tata@xyz.com. क्लियर, ध्यान से समझना इसको. और एबीसी के केस में जैसे टेलनेट एक इंप्लॉय आपने हायर किया @abc.com, ये इसका यूजर आईडी हो जाएगा. एज इट इज राहुल नाम का आपने एक इंप्लॉय हायर किया है जिसकी ईमेल आईडी है rahul@abc.com. एवरीथिंग इज ओके, दोनों कंपनी आपस में अपने आप में एवरीथिंग इज ओके, सब कुछ सही चल रहा था, मेलिंग सर्विसेज वगैरह अच्छे तरीके से मैनेज हो पा रही थी, इनके एम्प्लॉयज मेल आईडी से आपस में कन्वर्सेशन करते थे, एवरीथिंग इज ओके. नाउ डेफिनेटली इस कंपनी का जो अकाउंट है ना मेल का वो अलग होगा, इस कंपनी का अकाउंट अलग होगा. दोनों कंपनी अपना अपना टेनेंट इस्तेमाल कर रही है. जब आप साइन अप करते हैं 365 पोर्टल के ऊपर, जब आप लाइसेंस परचेज करते हैं तो एज्यूर एडी के केस में आपको एक टेनेंट असाइन हो जाता है. अब ड्यू टू एनी रीजन एक्स वाई जी ने एबीसी को अक्वायर कर लिया, ठीक है. अब जितने भी इंप्लॉयज हैं ये एबीसी के नहीं है, अब ये किसके हुए, एक्स वाई जी के.
तो जो मेल बॉक्सेस हैं इनके पास वो एज इट इज आप क्या करेंगे, माइग्रेट कर लेंगे किसमें, एक्स वाई जी के पास। एबीसी का पूरा मेल बॉक्स, 1000 इंप्लॉय है, 2000, 10000 इंप्लॉय है, उनकी मेल आईडी को आपने क्या किया, एक्स वाई जी ने क्या किया, माइग्रेट कर लिया अपने पास। तो ये आपका कहलाएगा क्रॉस टेनेंट माइग्रेशन। उम्मीद है समझ में आ गया होगा क्रॉस टेनेंट माइग्रेशन का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, अगला जो है अपने पास माइग्रेशन की बात करें वो है गूगल वर्क स्पेस। तो गूगल वर्क स्पेस, यू नो दैट द लेटेस्ट नेम और न्यू नेम ऑफ जी सुइट। पहले हम इसको जी सुइट, एक छोटा सा पैनल था जहां पे आप मेलिंग सर्विसेज को मैनेज कर सकते थे। पर यूजर आपको 200 समथिंग के आसपास पे करना होता था, सर्विसेज भी कमी थी, मेलिंग से रिलेटेड केवल सर्विस थी, स्टोरेज आई थिंक नहीं था, गूगल डॉक्स नहीं थे, गूगल फॉर्म्स नहीं थे। सो अब अगर अपने पास यहां पे गूगल वर्क स्पेस माइग्रेशन की बात करें, गूगल वर्क स्पेस माइग्रेशन की बात करें, तो ये क्या है कि आपने अपने कंपनी की ईमेल्स को किस प्लेटफॉर्म पे मेंशन कर रखा है, गूगल के वर्क स्पेस पे। इसका भी प्रैक्टिकल हम आपको देंगे, डोंट वरी। गूगल वर्क स्पेस पे आपकी मेलिंग सर्विसेज चल रही है और आप इसको माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल पे लाना चाहते हैं, राइट? तो एज पर द नेम सजेस्ट, एबीसी यूजर है, एक्स वाई जी यूजर है, राज नाम का एक यूजर है, इनको आप माइग्रेट करके, इनकी मेलिंग सर्विसेज को माइग्रेट करके कहां पे ले जाना चाहते हैं, अपने माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल के ऊपर। तो ये एक माइग्रेशन प्रोसीजर होगा जिसको हम गूगल माइग्रेशन, गूगल वर्कस्पेस माइग्रेशन के नाम से जानते हैं। उम्मीद है यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं होगी अबाउट द थ्योरेटिकल पार्ट। अब बात कर लेते हैं सबसे लास्ट जो माइग्रेशन पार्ट है अपने पास, जिसको हम बोलते हैं आई मैप माइग्रेशन, राइट? सो आई मैप, यू नो दैट इट्स अ टाइप ऑफ प्रोटोकॉल, ठीक है? आई मैप एक तरीके का प्रोटोकॉल है। ये आपका 365 का पोर्टल, राइट? ये आपका माइक्रोसॉफ्ट 365 का पोर्टल, और आपने प्लान किया कि अपने जितने भी इंप्लॉयज है ना, उनको आप 365 से मेलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना स्टार्ट करने वाले हैं। और अभी तक आप यूज कर रहे थे इट मे बी गोडैडी, आपने अभी तक जो मेलिंग सर्विस कॉन्फ़िगर की थी वो गोडैडी पे भी हो सकती है, आप AWS पे मेलिंग सर्विसेज कॉन्फ़िगर कर रखा था आपने, या अदर कोई प्रोवाइडर जैसे होस्ट गेटर हो गया या नेम चीप हो गया, किसी भी मेलिंग सर्विस प्रोवाइडर का इस्तेमाल करके आप अपने एम्प्लॉय को मेल प्रोवाइड कर रखे थे। नाउ यू आर प्लानिंग टू मूव योर ईमेल्स फ्रॉम godaddy.com टू 365 या AWS या होस्ट गेटर या फिर नेम चीप प्लेटफॉर्म को छोड़ करके आप जितने भी मेल बॉक्सेस हैं, जो भी कन्वर्सेशन आपकी अभी तक हुई है, उसको आप माइग्रेट करके लाना चाहते हैं कहां पे, ऑफिस 365 के पोर्टल पे। तो इस केस में आई मैप माइग्रेशन विल हेल्प अस टू माइग्रेट अवर ईमेल बॉक्स फ्रॉम मेल बॉक्सेस फ्रॉम थर्ड पार्टी मेलिंग सर्विस प्रोवाइडर टू माइक्रोसॉफ्ट 365। सो गाइज, ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द माइग्रेशन। उम्मीद है कि आपको ये जितने भी टॉपिक्स हमने इसमें कवर किए वो यूजफुल होंगे आपके लिए। प्लीज आप तैयारी करिए, डेफिनेटली इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पुट अप करेगा, तो उसके लिए आप रेडी रहिए। सो दैट्स इट गाइज, इस वीडियो का यही एजेंडा था। प्लीज डू सब्सक्राइब योर ऑन टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल, हम हमेशा कोशिश करते रहेंगे आपको क्वालिटी बेस्ड कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए। जितने भी डिस्कशन हमने किए हैं थ्योरेटिकल पार्ट व्हाइट बोर्ड की मदद से, हम कोशिश करेंगे कि आपको हर एक पर्टिकुलर माइग्रेशन का प्रैक्टिकल वीडियो आपके साथ शेयर करें, ताकि आपका थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल भी मजबूत हो सके। दैट्स इट गाइज, थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय। डू सब्सक्राइब योर ऑन टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल, बाय बाय।